दर्जी के बेटे का क्रिकेट टी शर्ट। रामनगर नाम के गांव में रघुराम नाम का एक गरीब दर्जी हुआ करता था। थोड़े साल पहले ही रघुराम की पत्नी का देहांत हुआ। रघुराम को श्रीराम नाम का एक बेटा था। बेचारा श्रीराम पैदाइशी गूंगा था, स्कूल में पढ़ रहा था। अगर श्रीराम को कुछ कहना होता तो सिर्फ इशारों से ही बात करना पड़ता था। ऐसे ही वो स्कूल में अपने दोस्तों से बात करता था। श्रीराम क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता था। बैटिंग हो या बॉलिंग, वो बहुत अच्छे से करता था। उसके क्लास में थोड़े अमीर बच्चे रहते थे। उन लोगों को पैसों का घमंड बहुत था। उन लोगों के नायक का नाम बॉबी था। जब देखो तब गरीब बच्चों को मारते हुए, डांटते हुए उन्हें बहुत सताते थे। ऐसे ही वो लोग श्रीराम को भी सताते थे। एक बार बैटिंग कर रहे श्रीराम के पास अमीर बच्चे आकर उसका बैट छीन लिए। श्रीराम तब बा, 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 कहकर पूछा बॉबी, क्या रे बा, 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 बैट हमारा है, पहले हमारे बैटिंग करने के बाद ही तुम्हें बैटिंग करना होगा। कहा तो एक गरीब बच्चा, ए, वो बैट तुम्हारा कैसे हुआ? वो स्कूल का बैट है, उसके साथ कोई भी बैटिंग कर सकते है, शराफत से वो बैट उसे दे दो। कहा तो बॉबी, ए, स्कूल को हमने बनाया, इसको आर्थिक सहायता हम अमीर लोग ही देते हैं, मतलब ये स्कूल हमारा है और इसमें के हर एक चीज हमारे है, जाओ जाकर जिसे मर्जी आए उसे कहो। कहा तब वो बच्चे जाकर हेडमास्टर से कंप्लेंट किए। अगले दिन हेडमास्टर क्लास को आकर बच्चों से, आज से क्रिकेट बैट सिर्फ बॉबी वाले ही इस्तेमाल करेंगे, आपको खेलना है तो आप खुद एक बैट खरीद कर लाइए, अगर इस बात में कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम लोगों को स्कूल से डिसमिस कर देंगे। कहा तो श्रीराम बा, 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 बा। कहकर पुकारा एक बच्चा, हाँ, आप लोग उनके माता पिता के डर से ऐसे कह रहे हैं, ये अन्याय है सर। कहा हेडमास्टर तब, चुपचाप जैसे मैंने कहा वैसे करो, कहकर चला गया। तब श्रीराम वाले बहुत दुखी हुए। बाद में बच्चे मिलके पैसे इकट्ठा करके एक बैट खरीदे। उस बैट से उन्हें खेलते हुए देखकर बॉबी बॉलों को बहुत गुस्सा आया। एक बार हेडमास्टर एक आदमी के साथ क्लासरूम को आया। हेडमास्टर, बच्चों इनका नाम अमरनाथ है, सिटी में इनका एक क्रिकेट एकेडमी है, ये अपने एकेडमी में बच्चों को क्रिकेट ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए हमारे स्कूल से बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, बॉलिंग हो या बैटिंग एक एक को दो ओवर देंगे, औत्साहिक लोग भाग ले सकते हैं। कहा ये बच्चे अपना नाम दर्ज करवाए। अमरनाथ उस लिस्ट को लेकर, कल ही आपके सिलेक्शन से, सुबह 6 बजे तक ग्राउंड में तैयार रहिए, कहकर चला गया। बाद में बॉबी उठकर, हेडमास्टर जी जरूर क्रिकेट ड्रेस पहन के आना है कहकर एक रूल रखिए, नहीं तो हम हमारे घर में बताकर आपको फोन करवाएंगे। कहा हेडमास्टर तब, बेटा बेटा अरे ऐसे मत करना, ठीक है बच्चों कल सबको क्रिकेट ड्रेस में ही आना होगा, यही रूल है। कहा श्रीराम बा, बा, बा। कहा एक बच्चा, ये बात उन्होंने नहीं कहा था ना, हमारे पास क्रिकेट ड्रेस नहीं है, वो बॉबी वाले अमीर लोग हैं, इसलिए उनके पास पैसे होंगे, हमें इसमें भाग लेने से रोकने के लिए ही ना ऐसे रूल लगाए, हम इसके लिए नहीं मानेंगे। कहा हेडमास्टर तब, बेटा मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता, बॉबी के कहे ड्रेस पहने तो ही आपको ग्राउंड में आने दूंगा, बस, कहकर चले गया। इससे श्रीराम अपने दोस्तों से बा, 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 बा। कहकर अपने साथ आने के लिए इशारा किया। वो बच्चों को लेकर रघुराम के पास गया। बा, 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 वू, वू, बा, आ, बा। कहकर जो भी था वो सब उसे बताया। रघुराम दुखी होकर, आप लोग दुखी ना हो, मैं आपके लिए क्रिकेट ड्रेस सिल के दूंगा, कल तक तैयार करके रखूंगा। कहा ऐसे बेचारा रघुराम रात भर जगकर बच्चों के लिए ड्रेस सिला। अगले दिन गरीब बच्चों को क्रिकेट ड्रेस में आते देख बॉबी वाले और हेडमास्टर दंग हो गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। श्रीराम बॉलिंग और बैटिंग में धूम मचाया। ऐसे उसे एकेडमी में सीट मिला।